सलमान भाई के साथ काम करके आपको बहुत मजा आएगा। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अतरंगी है, थोड़ा टाइम लगता है समझ में, लेकिन एक बार समझ जाओ तो यू विल कीप लाफिंग ऑल द टाइम। उनके साथ इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसी हंसती रहती थी। हाँ, वो गिगल वैसे कर रहे। दूसरी चीज कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत डेडिकेटेड है, हमेशा यू नो शॉट के पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सलमान भाई शॉट पे बहुत फोकस करते हैं। ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम। या ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मेकअप, ही विल गिव यू टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मे बी इवन लंच। करेक्ट। मैं ये जानबूझ के करता हूँ ताकि हीरोइन खूबसूरत लगे। डीओपी हर शॉट को जमा ठिका के टेक करे, डायरेक्टर के पास इनफ टाइम हो कि वो सोचे समझे और फिर शॉट लगाए। मोस्टली ही इज द मोस्ट पंक्चुअल पर्सन। अब इसके बाद आप नेक्स्ट फिल्म करोगी अक्षय कुमार के साथ। ओके। जहां पर वो 6:30 बजे सेट पर पहुंचेंगे रेडी विद मेकअप, यू विल हैव टू वेक अप एट 2 o'clock इन द नाइट। जिस वक्त सोती है उस वक्त आपको उठना पड़ेगा। अर्जुन जी, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। हाँ, जैकलिन के बगल में खड़ा तो आएगा ही ना पसीना। और क्या बताया आपने? तो मैंने इनको बताया आप कितने डिसिप्लिन हो, खाने की भी शौकीन हो लेकिन छुप छुप के। लंच ब्रेक अच्छी खासी लंबी होगी बिकॉज घर से बहुत अच्छा खाना मिलेगा तुम्हें हमेशा। और सलमान भाई को एग्जॉटिक नई नई जगह जाना बहुत पसंद है और उस वजह से आपको शायद आउटडोर जाने का मौका मिला, जैसे आप पोलैंड गए इस पिक्चर के लिए। तो आई गिव हर ऑल दीज इनसाइट्स कि इनको पूरा मुआयना करने का मौका मिला। करेक्ट है। वैसे अर्जुन, आपका नाम हम सब ने, योर फैंस सब ने सुना है अर्जुन कपूर, बट एसके आपको अर्जुन रणावत क्यों कहते रहते? व्हाई अर्जुन रणावत? उन्हीं उन्हीं से पूछ लो ना। अर्जुन रणावत मुझे पता नहीं क्यों नाम रखा। आई थिंक गर्व उस वक्त, हाँ गर्व उसे रिलीज हुई थी और गर्व के अंदर ये था, आप मेरे अंदर से एक इंसान निकालने वाला था। तो ऐसे ये अर्जुन रणावत बन जाओ भाई, थोड़ा मेहनत करो, लगन से काम करो। हाउ मच यूज्ड टू वे? 148 किलो से लिया। इनको मैंने वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ाया तो एक राउंड लिया, दो राउंड लिया और दो राउंड लेने के बाद एक कांटा जाके अटक गया कहीं पर। कौन सा वेट है? वो वेइंग स्केल के ऊपर आदमी चढ़ा है, वो वेइंग स्केल ने किसी को उसके बाद चढ़ने दिया नहीं। इनसे मैंने पहले 20 किलो कम कराया। देन यू, हाँ ये साइकिल से गिरे, ये साइकिल से गिरे और फिर इनका वजन फिर से आ गया। फिर उसके बाद कुछ 25-30 किलो लूज कराया, फिर से इनका कुछ हो गया था, कुछ लिगामेंट फट गया था, कुछ हुआ, पैर टूट गया, पैर टूट गया था। 4 महीने का ब्रेक, वापस से 148 किलो, फिर वापस से करा के, मतलब के मैंने इस आदमी में से करीबन 250 किलो निकाले। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ, उस समय जब आप 250 किलो निकालने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हें पतला करके छोड़ूंगा, आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। पर इतना सारा था, आपने फिर भी कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। मैंने ये देखा कि अगर ये आदमी पतला हो जाता है तो इसके हेल्थ के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं मैंने इसमें एक एक्टिंग का सुलेमानी कीड़ा नोटिस किया। सुलेमानी तो कीड़ा? अगर ये ट्राई करता तो यहां पे अगर शायद नहीं होता तो साउथ में चल जाता। लेकिन जैसे ये घटता गया YRF बढ़ता गया इनकी लाइफ में। और आज 100-200 करोड़ की हिट मार रहे। दादा कमाल है यार, अर्जुन रणावत तालियां। अब इतना सब कुछ हो गया, सवाल जवाब हो गया, बातचीत हो गई, ये मौका मिला आपके साथ नाचने का भाई, तो वो आपने जो ट्रेडमार्क किया है आपके, आपको दूसरी वो कौन सी चीज है जिससे आपको किक मिलती है? दूसरी जो चीज है जिससे मुझे किक मिलती है वो है कि नए लोगों के साथ काम करना। हाउ स्वीट, थैंक यू। मुझे बड़ा मजा आता है। शुभ हो ना। हाउ स्वीट। या लेकिन तुम्हारे अलावा एक और शख्स थे जिसके साथ मैंने यहाँ पर काम किया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? I will call him in a second. ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वेलकम 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 वेलकम। वाह यार,
आपका एक्सपीरियंस कैसा था टू वर्क विद मिस्टर खान? मतलब हमारे यहाँ जैसे बहुत चार पांच एक्टर होते हैं तो बात करते हैं हम लोग, तो एक बहुत बड़े वो थे एक्टिंग के मास्टर आदमी स्टैनिस्लास की, उन्होंने बोला था तीन तरह के एक्टर होते हैं जी. एक अच्छा एक्टर होता है, एक बुरा एक्टर होता है, एक सलमान खान होता है. That's a very big compliment. आपको जो फोन आया नाडियाड वाला ऑफिस से कि आप टिक में हो विद सलमान खान, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने सलमान भाई के सारे इंटरव्यूज पढ़ने शुरू कर दिए थे. पहले जानू तो सही है कि इंसान कैसा है, तो दिल में तो आता समझ में नहीं आता. अगर ये डायलॉग पहले लिखा जाता तो मुझे ज्यादा ये इस रिसर्च करने की जरूरत ना होती. तो वैसे लोग डर जाते हैं? डर जाते हैं क्यों, कहाँ डरे हो आप? नहीं नहीं, बहुत अच्छा माहौल रहा शूटिंग करते वक्त. अमेजिंग शूटिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा शूट करते वक्त. तो अभी आप दोनों का एक रोमांटिक गाना, किन दोनों? आप दोनों का एक रोमांटिक गाना मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा करना है. डांस करो, ये आपको ये करना है. जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये इसको हम तो रहे समझाते. जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये इसको हम तो रहे समझाते. मैंने देखा तुझे बुला के तरकीब लगा के हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे. हैंगओवर तेरी यादों का. यू नो पिक्चर के अंदर इनका एक स्टाइल है किक के अंदर, इन्होंने ये एक्चुअली इनका आपका तकिया कलाम हो गया था पिक्चर के अंदर वो. अभी ये शुमोना करेंगी न्यूज़ के बाद वाला नहीं हो सकता. या डन. ये जोरदार तालियां मेरे लिए. थैंक यू सो मच नवाजुद्दीन, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए. जब किसी गाने में यो हनी सिंह का एटीट्यूड वाला स्टाइल मिलाया जाता है तो गाने का मजा चौगुना हो जाता है, और अगर ऐसे में स्क्रीन पर सलमान खान का टशन हो तो फिर एक ही सवाल उठता है कि भाई इस गाने में फीमेल कोस्टार कौन होनी चाहिए? जवाब हम सबको मालूम है और वो यहाँ आ रही है लाइव परफॉर्म करने. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नरगिस फखरी. तो एसके ने अपनी फिल्म में चार गाने गाए हैं. थैंक यू. और काफी लोग आई एम श्योर म्यूजिकली इंस्पायर्ड हुए हैं आपसे. जी. तो कितना आसान है ये गाना गाना? देखो, अगर आदमी सांस ले सकता है, बोल सकता है, वो गाना गा सकता है. Really? जी हाँ. मुझे तो बहुत टफ लगता है. अरे, सपोर्ट करेक्ट होना चाहिए आपका. तो मुझे अगर करेक्ट सपोर्ट मिला तो आप गा सकती हैं. जी हाँ. मेरा सपोर्ट लो आप. लो. बस. ये. लिया सपोर्ट. हाँ. क्रॉस द जंप के लो. हाँ. अब मेल वॉइस में गाना आपको. ऐसा भी हो सकता है. सपोर्ट के साथ कुछ भी हो सकता है. वाओ. सो लेट्स ट्राई. चलिए ट्राई कर लीजिए आप. देख लीजिए. ओके. बहुत ही बुरा गाती हूँ. आई थिंक इससे अच्छा ये है कि मैं बहुत ही टैलेंटेड सिंगर को बुला लूं. सो लेट्स वेलकम आवर म्यूजिकल टैलेंट आदित्य रॉय कपूर. ये क्या है तुम्हारा ये आउटफिट? प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक प्रोमो देखा है. हाँ, कौन सा?
दावतेश का लुक है। हाँ ये दावतेश का लुक थोड़ा अलग है ना यहाँ से। आई हैव बस्ड हेयर, काजल, इयररिंग्स, काफी अलग है। व्हाट यू प्लेइंग? क्या प्लेइंग? अ बॉय फ्रॉम लखनऊ हु ओन्स अ कबाब जॉइंट। दावतेश। हाँ सी ना सी वन टू ट्वाइस। दावतेश दावतेश दावतेश। यू बिकम अ सिंगर? सिंगर मींस लाइक व्हाट? आई हैव जस्ट थोड़ा सा सिंगिंग और डाइवर्सिफाइंग। नो नो, सोच रहा हूं कि सीख लूं। सोच रहा हूं कि मैं अपने लिए खुद के लिए प्लेबैक दूं। ओके। तो हर पिक्चर में मैं एक आध गाना मैं ठोकने की कोशिश करूं। तुम करें कुछ साथ में? करें मतलब साथ में मतलब डुएट। मतलब लेट्स डू इट। एक जैम सेशन हो जाए। हां एक जैम सेशन हो जाए। व्हाई नॉट? है ना, एक गिटार की जरूरत है। पर गिटार मिलेगा आपके लिए? हाजिर हो जाएगा। एक गिटार लाओ। एक गिटार हाजिर हो जाए प्लीज आदित्य के। अरे वाह, गिटार ला, गिटार ला। अरे गिटार वाली भी आ गई। अमेजिंग। Ready? Go. Ready? One. No one's saying anything. One, two, three. जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें। समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के हर नुस्खे को आजमा के पर दिल से कभी ना हैंग ओवर तेरी यादों का, हैंग ओवर तेरी बातों का, हैंग ओवर तेरी यादों का, हैंग ओवर तेरी बातों का। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, मुझे बड़ा मजा आया। आई थिंक इज अ ग्रेट गाय। और कोई सरप्राइज दे रही हो? चाहिए तो आपके लिए एक और सरप्राइज। बहुत ही म्यूजिकल बंदा है और नया नया दोस्त भी बना है मेरा, तो मैं उसे बुलाना चाहूंगी। माई न्यूली फाउंड रैपर फ्रेंड, प्लीज कम। आज फिर एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गए तैयार। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको। इसको गाड़ी चाहिए लंबी, तो म्यूजिक चाहिए लाउड। ये जाती महंगे क्लब में रहा होता ढंग का क्राउड। लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ दी है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट। मुंडे आधे पल्ले नहीं तो छठी आनी खा के जगह संडे मंडे करे तेरा छूटे हंडा लक। आती होंडा में ऑडी में जाती तो खिसक बेबी। व्हाट द? इधर नहीं बोल सकते वो। भाई मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछे। पूछो, क्या पूछना है? कि मैंने ये सब क्यों किया? ये सब क्यों किया? क्योंकि इसमें किक है भाई। अरे नकल कर रहे हो हमारी? भाई मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, पिक्चर मिल रही मुझे। How's it going, Varun? Good, भाई, good, good, good. Little nervous, क्योंकि आपके साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। पागल है क्या? Listen, how's dad doing? He's good, he's happy. He's happy? खुश है। इससे बेटर किक क्या हो सकती है माँ बाप के लिए कि बच्चे दोनों बहुत शरीफ है और दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और रैपिंग इन्होंने इसलिए सीखी है क्योंकि इनके फादर का फेवरेट डायलॉग है I'll rap you. लाला, I'll rap you. वरुण, I'll rap you. रोहित, I'll rap you. हाँ? तो इसीलिए वरुण। हाँ, सर, रैपिंग में कमाल है ये। भाई मैंने बचपन से देखा कि आपका जो वॉक है, I'm trying to crack that. बचपन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं मुझे अब तक प्रॉपर वॉक नहीं मिला क्योंकि आपके वॉक में बहुत किक है। Okay, who wants to see Salman Khan walk? The Salman Khan walk. वो आगे खड़े हो जा। हाँ मैं उधर से देख। हाँ। वजह लगे मैं walk करूँ तो पीछे से देख रहा है मेरे को। Ready? Yes भाई। Woo! Woo!
ये वरुण वैसे एसपी का स्टाइल तो नहीं था, ये काफी अलग था, ये अलग था, ये जुड़वा में किया था इन्होंने।